और जो सवाल हैं आपके कल के जो पारदर्शिता सुविधि ब्रेक इवन एनालिसिस के हवाले से, अगर आप कोई बात उसके हवाले से पूछना चाहते हैं थ्योरेटिकली, तो पहले उस पर बात कर लें एंड देन न्यूमेरिकल्स जो करने थे सॉल्व आपने अगर किए हैं और उसमें मसला है, किताब से बात कर रहा हूँ, Chapter 5 बुक का रेफ़र किया गया था, कुछ सवाल यहाँ पे पढ़ के भी समझाए गए थे, बट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर टास्क टू यू कि आप उसको सॉल्व करें। सो इफ़ यू डिड इट और आपको कोई मसला उसमें आया है, कोई इशू है, तो यू मे डिस्कस इट। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर कॉन्सेप्चुअली इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, तो आप अपना सवाल रेज कर सकते हैं बाय राइटिंग अ क्वेश्चन। जी ऑनर्स, आपका सवाल नोट कर लिया गया है। एक्सरसाइज 5-2 और 3 की बात आप कर रहे हैं वो आपको बता देंगे। रेस्ट अभी थ्योरेटिकली अगर कोई सवाल है तो उस पर बात कर लेते हैं। जी जी क्वेश्चन है अरीजे का रेलेवेंट रेंज के हवाले से। मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि फिक्स कॉस्ट वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो कांस्टेंट फॉरएवर नहीं रहती। फॉरएवर रहने का मतलब, जब हम जनरली स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि वेरी करती है विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, के ज़्यादा प्रोडक्शन होने से कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और कम होने से कम हो जाती है। उसकी मिसाल में डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट लेबर थी, यूटिलिटीज़ का एक्सपेंस था, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस था, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। बट जो सवाल आपका है, रेलेवेंट रेंज क्या है, ये कंसर्न है फिक्स कॉस्ट से। तो जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो अगला सवाल यह था कि क्या हमेशा चेंज नहीं होती, फॉरएवर कांस्टेंट रहती है? तो फॉरएवर नहीं, कांस्टेंट रहती है, बट विद इन अ रेलेवेंट रेंज, एक लिमिट, एक हद तक रहते हुए वो कांस्टेंट रहती है। बट बियॉन्ड दैट, अगर उससे आगे जाएंगे तो वो चेंज होगी, चेंज हो भी सकती है। तो वो जो सच से आगे जाएंगे वो चेंज हो सकती है, वो जो हद है, जैसे मैंने कल एग्जांपल के जरिए आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी कि जो रेंट है वो बिल्डिंग का आप पे करते हैं वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। लेकिन चेंज नहीं होता है कि जितनी जगह आपने रेंट पे ली है उस वजह से चेंज नहीं होता, वो जगह आपने रेंट पे ली है उसका इन्हिसार किस चीज़ पे है, कि आपने कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन। तो जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई करने, उतनी स्पेस को आपने ऑक्यूपाई किया रेंट बेसिस पे, और उतने का रेंट पे कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। यू नीड टू इंस्टॉल अनदर प्लांट, आपको एक और प्लांट इंस्टॉल करना है, एक और प्लांट इंस्टॉल करने के लिए आपको जगह भी और चाहिए होगी। अगर जगह और चाहिए तो आप वो जगह और किराए पे लेंगे, तो रेंट वो वंस एक दफ़ा इंक्रीज करेगा, जंप करेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ इंक्रीज होता जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद अगेन कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जो बिहेवियर है इस फिक्स कॉस्ट का, कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है विद इन रेलेवेंट रेंज, एक रेलेवेंट रेंज है, यानी 0 to 1000 यूनिट बना सकते हैं आप एक प्लांट पे। प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी 1000 यूनिट्स है, अगर आप 1000 से ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो एक और प्लांट चाहिए, सो इसका मतलब और प्लांट तो और जगह। तो यानी 0 से 1000 अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक रेलेवेंट रेंज है, इस रेंज के अंदर रहते हुए फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही इस रेंज से बियॉन्ड जाएंगे फिक्स कॉस्ट इंक्रीज भी कर सकती है, लेकिन वो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ फिर भी इंक्रीज नहीं करेगी, वो एक दफ़ा जंप करेगी और फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगी फॉर अदर रेलेवेंट रेंज, यानी वो 1000 से 2000 यूनिट्स की है फॉर एग्जाम्पल, एक और प्लांट जो है वो एक और 1000 यूनिट्स बना सकते हैं। सो आई होप नाउ द थिंग इज क्लियर। जी जेंटलमैन, अनसहमत, आपने सवाल किया है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ग्राफ भी कहा गया है। ग्राफ मैं आपके सामने अभी बना दूंगा, आपको समझ आ जाना चाहिए।
रेस्ट पेपर के अंदर शायद हम इस तरह से आपसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ग्राफ मांगते नहीं हैं, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ग्राफ कैसे बनाएगा वो मैं अभी आपके सामने शेयर कर दूंगा। जी ये साहब ने पूछा है, सलमान अहमद साहब हैं, व्हाट इज़ द सी एस रेशो। ये सी एस का मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स है। मैंने कल सी एम रेशो लिखा था, इसे सी एस रेशो भी कहते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशो, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100% में जो आंसर आ रहा है उसे सी एम या सी एस रेशो दोनों नाम दिए जा सकते हैं। जी दानिश रजा साहब, सिर्फ नाम लिख के सवाल, सिर्फ आपका नाम बोलना है मैंने, तो जनाब मैं आपका नाम बोल देता हूँ। जी सईद कदीर कादिर साहब ने सिर्फ सर लिखा है, बड़ी मेहरबानी जी। तो नजम चैप्टर 5 का सेकंड पेज एक्सप्लेन कर दें, थेरी प्रॉब्लम आ रही है। जेंटलमैन वो प्रॉब्लम क्या है वो बताएं, मैं यहाँ पे किताब तो नहीं ओपन करूँगा, आप अपना सवाल लिखें यहाँ पे थेरी के उस पेज में क्या आ रहा है, वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं बता दें, मैं आपको बता दूंगा। सईद कादर ने फिर रखा है रिपीट, रिपीट क्या करना है जेंटलमैन वो तो बताएं। आफ्ताब आपका क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्ट, ये एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं, ये हमारा इसके बाद का टॉपिक है, हम उस वक्त इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर आपको कहीं से लिखा मिला है तो उसको अंडरलाइन कर लें, जब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जी एलिजी आपने न्यूमेरिकल सवाल पूछा है, न्यूमेरिकल सवाल मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, अभी नमाज की ब्रेक के बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सईद कादिर साहब आप नए हैं तो अब पिछले 4-5 लेक्चर में जो कुछ हुआ वो मैं अब आपसे कोई 5-7 मिनट में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है वो पोर्टल पर आपको अवेलेबल होगी, उसको जाके सुने, और जो कोई फेलोज अगर आपके एलम में है तो उनसे डिस्कस कर लें, और अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको नज़र आता है तो फिर मेरे साथ डिस्कस कर लें क्लास में। जेंटलमैन आप फिर नजम आप फिर वही बात कर रहे हैं, 5 सेकंड का पेज एक्सप्लेन, चैप्टर 5 का सेकंड पेज क्या एक्सप्लेन करना है, आप अपना सवाल लिखें, आपने जो पढ़ा उसमें क्या मसला आया। अब इंग्लिश तो नहीं ना पढ़ के सुनाऊंगा जेंटलमैन, आप सवाल लिखें एग्जैक्टली, मैं उसका जवाब दे देता हूं। जी मैं पेज ओपन करके पढ़ लूंगा, भैया आप अपना सवाल बताएं उसमें क्या मसला है, वो 2 लाइनें लिख दें आप। अब इंग्लिश का तर्जुमाना मेरे से करवाएं, थैंक यू वेरी मच। जी जो मैंने खालिद जावेद कह रहे हैं, जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए थे, जो बेसिक टॉपिक था हमारा उसका प्रॉब्लम 1 सेट B का उसका सवाल पूछना है आपने, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं लेता हूँ अभी, ये मैंने भी सवाल आपका डन नहीं किया, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन जी, थ्योरेटिकली कोई इशू है तो आप बात कर सकते हैं। अभी तक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट किया गया है वो मैंने नोट कर लिए हैं, तो उसके बारे में फिर गाइड कर देंगे। सईद कादर साहब सवाल कर रहे हैं, किताब का नाम मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरी।
जी, जो प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड है, ये मल्टी प्रोडक्ट ब्रेकअप एनालिसिस है। पहले हम बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद मल्टी प्रोडक्ट करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक पे बात हो रही है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फेज में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। काफ़ी आ रही है। जी, न्यूमेरिकल जो है ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, जो जो सवाल आ रहे हैं, नूर तारिक ने 5-5 का सेकंड पार्ट कहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। जी, रहाब साहब ने पूछा है कि मेरी एक क्यूरी है सीबी एग्ज़ाम के हवाले से, आई एम न्यू टू दी एग्ज़ाम्स, हाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर, विल वी बी वेटिंग राइटिंग होल प्रोसीजर और जस्ट द आंसर्स। ये अच्छा सवाल है। इसके लिए मॉक एग्ज़ाम होते हैं, वो मॉक एग्ज़ाम तक आपको एक्सेस मिल जाएगी, तो वो आपको उस तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। बट सारा कुछ लिखना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखा होगा उसके सामने, कैलकुलेशंस करके लॉजिकली आपने वहाँ पे मेंशन करना होगा, कुछ ना कुछ लिखना भी होगा। लेकिन वो एग्जैक्टली अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स देखें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। वजाहत सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच आपके क्वेश्चन मार्क का। ये अताउल्लाह खान ने कहा है नमाज ब्रेक करेंगे 6:20 पे, तो जी 6:20 तक इंशाल्लाह नमाज ब्रेक कर लेंगे। नबीला, राइट, बड़ा अच्छा सवाल है। ये कंपनी की मर्जी पे है कि कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट बनाएगी या अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉस्ट। तो ये बात जहन में रख लें, जितनी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम बातें कर रहे हैं, सारी की सारी इंटरनल यूजर्स के लिए हैं, ओनर्स के लिए हैं, मैनेजर्स के लिए हैं, ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर ही बनाया हुआ है। यानी सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते वेरिएबल फिक्स की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं प्रॉफिट निकलता है। तो वो कन्वेंशनल तरीकाकार है, इसका नाम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी है। यही तरीकाकार यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट्स बनाते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं उनको, जो पब्लिकली पब्लिश की जाती हैं एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में, उसके लिए वही तरीक़ाकार फॉलो किया जाता है। ये जो तरीक़ाकार जितने भी हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए फॉर मेकिंग सर्टन डिसीजंस। अब आपने ये समझ लिया कि कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में क्लासिफाई करेंगे तो ही तो जाके ब्रेक इवन की बात कर पाएंगे कि फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशो से या सीएम पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। सो अगर हम ये कहें कि ये क्यों बनाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से, ये क्यों इजाद हो रहा है जब पहले वाला चल रहा था और प्रॉफिट भी सेम आ रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होता है और उसी तरह से बनाया जाएगा। बट इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए और इंटरनल डिसीजंस करने के लिए हमें बिहेवियर ऑफ कॉस्ट को क्लासीफाई किया तो ही हम इस एनालिसिस पर पहुँचे हैं
कि हमारा ब्रेक इवन कब होता है ताकि हम अपनी सेल टीम को, ये ब्रेक इवन ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि जीरो प्रॉफिट पे खड़े हो आप, ये आपकी बॉटम लाइन है। आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो यू नीड टू टेल देम कि ये बॉटम लाइन है, इससे अगले आगे जितना जाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। सो इंटरनल के लिए तो यही वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको, या मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं, जो अभी हमने तरीकाकार फॉलो किया कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट वाला, और अदरवाइज पब्लिकली रिपोर्टिंग के लिए हम वही यूज करते हैं जो कन्वेंशनल तरीकाकार है। सईद कादर पूछ रहे हैं हम चैप्टर 5 पे हैं, तो हम चैप्टर 5 ही पढ़ रहे हैं जेंटलमैन। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2, जो डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन थियोरेटिकली हमने बेस बनाने के लिए उन 2 चैप्टर्स को पढ़ा है, अब हम चैप्टर 5 पे बात कर रहे हैं। जवाब पूछ रहे हैं आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है। लेबर कॉस्ट वो है जो किसी चीज़ को बनाने के लिए वर्कर को पैसे दे रहे हैं, अगर वो कॉस्ट ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है इकोनॉमिकली कन्वीनियंटली फॉर अ सिंगल यूनिट, तो उसे हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं, अदरवाइज इनडायरेक्ट लेबर। जी हमजा साहब, आपने जो सवाल पूछा है बिहेवियर और नेचर में, इस पर हम कल डिटेल में बात कर चुके हैं। द पीपल हु ज्वाइंड डेली न्यू, उनके लिए गुजारिश है कि पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अवेलेबल होती है, पहले उसको सुन लिया करें ताकि हम अगली बात करना हमारे लिए आसान हो जाए। नमाज ब्रेक कर रहे हैं जी, नमाज ब्रेक के बाद फिर हम फॉर्मली आपके न्यूमेरिकल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर चलते हैं। थैंक यू।
जी, कमिंग बैक, राजा सद्दाम यूसुफ साहब ने सवाल किया है कि अगर कोई लीगल पेनल्टी चार्ज वगैरह लग जाता है तो क्या वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं? तो जवाब नहीं है, टेक्निकली ये चार्ज नहीं किया जा सकता। रीज़न ये है जेंटलमैन कि जितनी भी पेनल्टीज होती हैं ये नॉन कम्प्लाइंस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स की वजह से लग रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जिसे हम कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे कह रहे हैं भाई, वो जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए इनकर हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई लाइसेंस की फीस आप देते हैं तो वो लाइसेंस फी जो है वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट को चार्ज की जा सकती है, लेकिन अगर किसी नॉन कम्प्लाइंस की वजह से आप पे पेनल्टी लग रही है तो नॉन कम्प्लाइंस एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, तो उसकी पेनल्टी प्रोडक्ट कॉस्ट को चार्ज नहीं की जाती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के तौर पर ही कंसिडर की जाती है। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। ये ऑपरेटिंग लीवरेज का सवाल पूछा गया, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज ये आपको इस चैप्टर में मिल तो ज़रूर रहे होंगे, लेकिन ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सईद कादिर पूछ रहे हैं, एडिशन बता दें जेंटलमैन जो मिल जाए, वरना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 16वां एडिशन शेयर हुआ हुआ है, अगर वही ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी आवाज़ नहीं आ रही, तो अब तो आ रही है मेरे ख्याल में। जी नजम साहब ने सवाल लिखा है, व्हेन मैनेजर्स कॉन्टेम्पलेटिंग अ लार्ज चेंज इन सेल्स वॉल्यूम दैट लाइज आउटसाइड द रेलिवेंट रेंज, हाउएवर इन दी सिचुएशन द सीवीपी मॉडल कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मॉडल है कैन बी एडजस्टेड टू टेकन इन टू अकाउंट एंटीसिपेटेड चेंजेस इन सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। यही सारी बात जेंटलमैन कल से और आज से चली जा रही है कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि चेंज होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन फिक्स कॉस्ट वो है जो कि विद द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होती। आज के दिन में भी रेलेवेंट रेंज को दोबारा एक्सप्लेन किया गया कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है लेकिन वो एक रेलेवेंट रेंज है, एक लिमिट है, उस लिमिट के बियॉन्ड जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उस लिमिट के अंदर रहते रहते वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, अगर मैनेजर्स कोई लार्ज चेंज कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम के अंदर, लंबा चौड़ा सेल्स जो है वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब इट मे बी पॉसिबल कि आप रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड चले जाएं। अगर आप रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड जाएंगे तो ना सिर्फ आपका रेवेन्यू चेंज होगा, ना सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, बल्कि फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी और अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करना पड़ेगी। सेल्स मिक्स वाली जो बात इसमें लिखी हुई है ये मल्टीपल प्रोडक्ट के हवाले से बात है, मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या रखना है इस पर हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें बात करेंगे। खालिद जावेद, आपने जो क्वेश्चन है जी वो मैं बता देता हूँ। बिलाल आपने जो नोट्स सेंड किए थे उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे, जेंटलमैन वो आपने करने हैं, मैंने मेरे से पूछ सकते हैं किसी सवाल में मसला है, तो अगर मैंने ही सॉल्व करने हैं और सॉल्यूशन देने हैं तो फिर फ़ायदा उस चीज़ का, पेपर आपने प्रैक्टिस करके देना है, आप करेंगे तो आपको समझ आएगी। जी ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। मैं आप लोग जो सवाल पहले पूछा गया पुराना हैंडआउट किताब से ब्रेक इवन एनालिसिस के बजाय, अभी एक जेंटलमैन ने सवाल पूछा हुआ है जो प्रॉब्लम सेट दिया था मैंने उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बारे में पूछना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड के हवाले से जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, ये शायद उनके हवाले से बात कर रहे हैं। मैं उसका जी क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ और वो बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, जो जेंटलमैन को इशू होगा वो उस चीज़ में क्लैरिफाई कर सकते हैं। जी आपने कहा जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर 1 प्रॉब्लम सेट बी, उसमें से पांचवा सवाल है, मैं उन पांचवें सवाल का जेंटलमैन जवाब देने के लिए वो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन।
जी आई होप नज़र आ रहा होगा, ये सवाल जेंटलमैन आप पूछ रहे हैं, कंफर्म करें यही सवाल है पांचवा जी। दी ऑटिस कंपनी इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टॉयज, इट्स कंट्रोलर साइंड रिजाइंड ऑन अगस्त 1, अगस्त 1 पे रिजाइन दे कर दिया है उन्होंने जी। जी ऑन अगस्त 2014 एंड इन एक्सपीरियंस असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। उन्होंने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है, जो कि इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट है, तो प्रॉबेबली उसने शायद सही ना भी बनाई हो, आपको शायद यही कहा जा रहा हो कि आपने सही बनानी है। तो उन्होंने सेल्स रेवेन्यू में से सीधे ही लिख दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और उनको माइनस कर दिया, रॉ मटेरियल परचेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, रेंट एंड फैक्ट्री ऑन फैसिलिटीज, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ये सब कुछ माइनस करके उन्होंने लॉस निकाल दिया है। ये सारा कुछ उन्होंने किया है, कुछ यूज़ नहीं किया इन्फॉर्मेशन का जो कि शायद इन्वेंट्री से रिलेटेड है। प्रायर टू अगस्त 2014 कंपनी हैड बीन प्रॉफिटेबल एवरी मंथ। द कंपनीज प्रेजिडेंट इज कंसर्न अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि पहले प्रॉफिट्स में जा रही थी और अब जो इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट साहब ने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस नज़र आ रहा है, तो वो कंसर्न है कि शायद ये ठीक ही ना बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एज आर फ्रेंड यू हैव बीन आस्क्ड टू रिव्यू द इनकम स्टेटमेंट एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस आफ्टर एग्जामिनिंग द मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट डेटा, यू हैव बीन अक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मजीद आपके इलम में आई है, इन्वेंट्री बैलेंसेस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अगस्त 1, अगस्त 1 पे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री और अगस्त 31 पे, तो अगस्त 1 वाली ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, अगस्त 31 वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस की इसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताई गई है। ये जो पहले से प्रॉफिट एंड लॉस बना है, इसके अंदर इसमें से किसी तरह की इन्वेंट्री का यूज़ नहीं किया गया, आपको खुद से यूज़ करना है। तो इसका मतलब आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और फिर सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ के जैसे ये इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने गलत सा प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। तरीकाकार क्या होता है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने के लिए टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल परचेज आपको बताया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल की अवेलेबल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो जो ओपनिंग पड़ा हुआ है वो भी आपने यूज़ करना है, जो परचेज किया है वो भी यूज़ करना है, दोनों को ऐड करेंगे, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की वो माइनस करेंगे, तो मटेरियल यूज़ की कॉस्ट निकलेगी, उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे 1,60,000 बताई हुई है, और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे। तो अभी जो डेटा दिया हुआ है इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जैसे रेंट ऑन फैक्ट्री फैसिलिटीज़ है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये फैक्ट्री ओवरहेड है। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जैसे यूटिलिटीज और इंश्योरेंस लिखा हुआ है, ये फैक्ट्री के भी हो सकते हैं और सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के भी हो सकते हैं, इसके बारे में मजीद गाइडलाइन ये नीचे दी हुई है। 60% ऑफ द यूटिलिटीज एक्सपेंस एंड 70% ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस अप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशन, यानी ये यूटिलिटीज और इंश्योरेंस जो है इसमें से 60% 10,000 में से यानी 6,000 ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स में, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में जमा होगा, और जो बाकी 4,000 है वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। और इंश्योरेंस एक्सपेंस इसी तरह से 70%, 5,000 का 70% लेंगे तो 3,500 रुपया इंश्योरेंस एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में शामिल होगा, और बाकी 1,500 जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर शामिल हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अगर हम ऐड करते हैं तो जेंटलमैन, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में रेंट ऑन फैक्ट्री फैसिलिटीज आ गया, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री इक्विपमेंट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उसके अलावा ये दोनों का जितना जितना अमाउंट ये 60 और 70% बनता है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ पहले निकाला, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ली और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड करेंगे, तीनों का टोटल जो बन जाएगा वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें ऐड करेंगे आप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग, माइनस करेंगे क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनेगा,
उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। इस सेल्स रेवेन्यू में से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट है, और इसके अलावा यूटिलिटीज और इंश्योरेंस में से जो रिमेनिंग पार्ट था 40% और 30%, ये सबको सम करके एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है, और प्रिपेयर अ करेक्ट इनकम स्टेटमेंट, तो करेक्ट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो इनकरेक्ट है उसको रिलाय नहीं करेंगे जी। तो जिनका सवाल था आई थिंक उनको समझ आ गई है। एक और साहब ने लिखा हुआ 1-3 का पार्ट बी, तो 1-3 ये है जी, इसका पार्ट बी है, प्रिपेयर कंडेंस्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर शेड्यूल फॉर केस ए, यानी ये तो इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हुई हैं। कंडेंस्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जेंटलमैन आप डायरेक्ट मटेरियल यूज पहले लेंगे, यहाँ पे ये डायरेक्ट मटेरियल यूज आपके पास अवेलेबल है, ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग अवेलेबल है ये 1000 ऐड करेंगे, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताया हुआ है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और टोटल करेंगे, और उसके बाद माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस जो हमें नहीं पता है, लेकिन उसका आंसर हमें पता है 15,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज का फर्क लेंगे तो आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू पी मिल जाएगी। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वो वैल्यू नहीं बताई गई लेकिन हमें पता है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 15,800, इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बनता है 18,300, वो नहीं पता आपको, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बन जाएगी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आप क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स के माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। तो ये वो स्टेटमेंट जो टेम्पलेट आपको दिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सोल्ड शेड्यूल जो बनाते हैं इस तरह से बनाया जा सकता है जी। जी नासिर रजा पूछ रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस एक ही है। जेंटलमैन प्राइमरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला स्टेप जो होता है वो कॉस्टिंग होता है कि कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट एक्युमुलेशन प्रोसीजर सीखें। जब वो प्रोसीजर सीख लेते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पर आप डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। तो आपकी बात समाव जी खालिद जवेद साहब, मैंने बता दिया पार्ट ए कि मिसिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। जी अब जो ब्रेक इवन एनालिसिस के हवाले से क्वेश्चन थे उन सवालों को मैं लेता हूँ जी। जी मैं ये बंद कर रहा हूँ और मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, उसमें जो सवाल कहे गए हैं मैं उनको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ जी।
जी मैं ये बुक की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी तो पहला सवाल था क्वेश्चन 5-2, 5-3 नहीं हुआ, बाकी हो गए हैं। एक साहब ने ये कहा है, एक ने कहा है 5-10 बता दें और 5-5 बता दें। तो 5-2, 5-3, 5-5 और 5-10। चले मैं 5-2 से स्टार्ट करता हूँ। जी लिखा है भाई, प्रिपेयर अ ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनना है, ये इस सवाल के हवाले से पहले हमें ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड अगर बनाना हो। और इसी तरह से 3 के अंदर भी, 2 में भी ग्राफ कहा गया और 3 में भी ग्राफ कहा गया। मैं वैसे ग्राफ बना के यहाँ पे आपको खुद से बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनते हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं वो बता देता हूँ। कल मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया था, आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यानी अगर हम वाई एक्सेस है ये, और ये हमारा जी, ये हमारा एक्स एक्सेस है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पे, इफ़ यू रिमेम्बर, तो मैंने कल बताया था कि बॉटम पे जो एक्स एक्सेस है, इस पे हम यूनिट्स अगर मैयर कर लें, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम देखें जी, ये जो हमारा वाई एक्सेस है, इस पे हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों मेजर कर लेते हैं। जी ये एब्रीवेशन मैंने लिखा है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू मेजर करते हैं। तो अगर हम कर्व्स बनाना स्टार्ट करें, तो कल हमने पढ़ा था जो वेरिएबल कॉस्ट है जी, मैं चलिए इसको रेड से ही बना देता हूँ। वो हमने पढ़ा था कि वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। अगर ज़ीरो चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व इस तरह से अपवर्ड मूव करता है, समझ आ रही होगी बात। और इसी तरह हमने कल फिक्स कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया। अगर फिक्स कॉस्ट का कर्व ड्रॉ करें, तो मैं शो करता हूँ ज़ीरो प्रोडक्शन भी करेंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन कल हमने पढ़ी थी कि जो फिक्स कॉस्ट है हमारा, वो इस तरह स्ट्रेट लाइन की सूरत में अपीयर हो रहा होगा। नो नज़र आ रहा है या नहीं आपको? चल ये जो बना हुआ है जी, ये हमारा, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, और ये वाला जो कर्व है हमारा, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। और अगर हम कर्व ड्रॉ करें टोटल कॉस्ट का, अब ये मल्टीपल कलर्स में यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। चलिए ब्लैक कलर से टोटल कॉस्ट का कर्व अगर हम बनाएं, तो टोटल कॉस्ट का कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या ज़ीरो से स्टार्ट होगा? तो जवाब है नहीं जी। टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर ज़ीरो चीज़ें भी बनाएंगे, कल हमने ब्रेक इवन एनालिसिस में भी देखा कि अगर ज़ीरो चीज़ें भी बनाएंगे तो फिर भी फिक्स कॉस्ट तो फेस करना पड़ेगी। इसका मतलब जो टोटल कॉस्ट का कर्व है, वो इनफैक्ट ऐसे स्टार्ट हो रहा है फिक्स कॉस्ट से। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साथ, ये जो ब्लैक कलर में कर्व है, ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। और अगर हम रेवेन्यू का कर्व ड्रॉ करें, रेवेन्यू का मतलब चीज़ें बेचने से जो हमें पैसे आ रहे हैं जी, तो वो ज़ीरो चीज़ें बेचेंगे तो ज़ीरो रेवेन्यू होगा, ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा होता जाएगा, कम बेचेंगे तो कम होता जाएगा। तो ये जो रेवेन्यू कर्व जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है कॉस्ट को, ये असल में हमारा, यानी इतने यूनिट्स हम बनाएंगे तो हमारा ब्रेक इवन होगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी। दूसरे लफ्ज़ों में, इससे नीचे रहेंगे तो अगर किसी भी इस पॉइंट से नीचे चले, मैं लगा देता हूँ फिर भी लाइन, ये जो हमारा पॉइंट है, इतने यूनिट्स बेचने पे ब्रेक इवन होगा, इतने लेवल पे हमारी कॉस्ट और जो रेवेन्यू है वो बराबर हो जाता है। सो अगर हम इससे कम बेचेंगे या इससे ज़्यादा बेचेंगे, कम बेचेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, ज़्यादा बेचेंगे तो हमारा
हमें कॉल जो फेज, ये बी स्टैंड फॉर ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मैंने लिखा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रही है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। सो अगर हम कहना चाहें कि इससे नीचे रहेंगे तो हमारा लॉस वाला ये एरिया, ऊपर जाएंगे तो ये हमारा प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज टोटल कॉस्ट कम और रेवेन्यू ज़्यादा। यानी अगर यहाँ इस पॉइंट पर खड़े हो जाएँ, इस पॉइंट पर देखिए इतने यूनिट्स भेजने से ये हमारी कॉस्ट है, जबकि रेवेन्यू इससे ऊपर है, रेवेन्यू हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ आपको समझ ज़रूर आना चाहिए, लेकिन एज सच एग्जामिनेशन के अंदर हम इस तरह से ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना आपसे उस तरह नहीं पूछते। आपको पता होना चाहिए उस मैकेनिज्म जो अभी शेयर हुआ, उससे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा जिनका सवाल था। जी 5 2 3 मैंने आपको बता दिया जी ग्राफिकल है, और इसके बाद 5 5 का पार्ट सेकंड पूछा गया है जी। एक साहब ने कहा जी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के इंटरसेक्शन को ब्रेक इवन होता है। माशाल्लाह जेंटलमैन, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट आपस में बराबर कहाँ होती हैं, और उनका बराबर होना शर्त नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट कल आपको वो पूरी एक्सेल की फाइल में समझाया कि जहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए, और प्रॉफिट तब ज़ीरो होगा जब टोटल कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों मिल के बराबर हो जाएं टोटल रेवेन्यू के, वहाँ पे ब्रेक इवन होता है। कॉस्ट दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं जेंटलमैन। 5.5 का पार्ट सेकंड पूछा गया है, मैं 5.5 यहाँ से देख लेता हूँ जी। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड वॉल्यूम। सेलिंग प्राइस बताई है 90, वेरिएबल एक्सपेंस बताया 63, और परसेंटेजेस भी निकाली हुई है, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 30% है। फिक्स एक्सपेंसेस 30,000 पर मंथ है, और कंपनी की सेलिंग प्राइस जो है वो 20,000 पर यूनिट है। हाउ मच विल बी नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज डिक्रीज पर मंथ इफ मंथली एडवर्टीजमेंट बजट इंक्रीज बाय 5,000 एंड मंथली सेल्स इंक्रीज बाय 9,000, जो कि बी पार्ट से सवाल है, तो मैं बी पार्ट को डिस्कस करता हूँ। मेरे ख्याल में बी से सवाल है, आई थिंक जी पार्ट टू उसमें कहा गया। ओके पार्ट टू का जवाब दे, रेफर टू ओरिजिनल डेटा, हाउ मच विल नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज और डिक्रीज पर मंथ इफ द कंपनी यूजेज हायर क्वालिटी कॉम्पोनेंट्स दैट इंक्रीज द वेरिएबल एक्सपेंसेज बाय $2 पर यूनिट एंड इंक्रीज यूनिट सेल्स बाय 10%। आपकी इनकम कितनी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। करंटली कंपनी कितने यूनिट्स बेच रही है, 2,000 जी। मैं ज़रा यहाँ से डेटा उठा लूँ जी। अब ये एक्सेल फाइल आपके सामने आ गई होगी, मैं ये शेयर किया आपसे, आई होप ये नज़र आ रही होगी। अब सवाल भी मैंने सामने ले आया हूँ, अब आपको समझ आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं जी। आपको कहा गया है कि बताएं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना होगा, तो पहले हमें फिर करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता होना चाहिए। 2,000 यूनिट्स आप बेच रहे थे और 90 उसकी सेलिंग प्राइस थी, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे यूनिट्स हैं 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 90 सेलिंग प्राइस है 1,80,000। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 63 है, तो 1,80,000 सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 1,26,000, 54,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिक्स एक्सपेंसेस आपको 30,000 के बताए हैं। कंपनी का प्रॉफिट करंटली हो रहा था 24,000।
अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर कंपनी कुछ चेंज कर दे तो क्या इम्पैक्ट होगा, हमने वो बताना है। जी देखें, कहा जा रहा है जी रेफर टू ओरिजिनल डेटा, अगर कंपनी की हाउ मच कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज डिक्रीज पर मंथ इफ द कंपनी यूजेज हायर क्वालिटी कंपोनेंट्स एंड इंक्रीज वेरिएबल एक्सपेंस बाय $2। तो पहले 63 की वेरिएबल कॉस्ट है, 65 की हो जाएगी, ठीक। दूसरे नंबर पे यूनिट सेल्स इंक्रीज कर जाए बाय 10%, पहले कितने यूनिट्स बेच रहे हैं 2000, 10% और यूनिट्स इंक्रीज कर जाए तो 2200 यूनिट बेचेंगे। इसका मतलब 2200 यूनिट सेल प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 90 की 90 है, ये सेल प्राइस है आपकी, सेल्स है। और जो 2200 यूनिट आप बेच रहे हैं उस पे पहले कॉस्ट 63 लगती थी, अब $2 बढ़ जाएगी तो 65 की कॉस्ट लगेगी, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। और फिक्स कॉस्ट उतने की उतनी रहनी है। सवाल ये था कि हाउ मच नेट ऑपरेटिंग इंक्रीज और डिक्रीज, तो 24,000 से 25,000 पे आप चले गए। आप आंसर दे सकते हैं कि 1,000 से आपकी ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज कर जाएगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। जी नूर, मैंने जवाब दे दिया आपके सवाल का। अच्छा जी साहब सवाल कह रहे हैं कि सरमद साहब के क्वेश्चन 5 का पहला वाला पार्ट भी कर लें, तो जी पहला पार्ट भी कर लें। हाउ मच विल नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज डिक्रीज पर मंथ इफ मंथली एडवर्टीजमेंट बजट इंक्रीज बाय 5,000 एंड मंथली इन सेल्स इंक्रीज बाय 9,000। तो हम यहाँ पे लिख के कर देते हैं ये सारे का सारा दोबारा। मैं जी यहाँ से ये पार्ट बी का आंसर था, अब मैं पार्ट ए का आंसर भी कर देता हूँ। ओरिजिनल डाटा आपका इंटैक्ट रहेगा, आप उसी को देखेंगे। ओरिजिनल डाटा ये था कि आप सेल्स कर रहे थे 1,80,000 की, जो कि इनफैक्ट 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 90 है। लिखा जा रहा है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी इंक्रीज डिक्रीज होगी इफ मंथली एडवर्टीजमेंट बजट, मैं बता चुका हूँ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने से ज़्यादा कम करने से कम नहीं हो जाती, बल्कि वो कांस्टेंट है। आपने जो वो जो पे करना है वो अखबार में इश्तहार लगाने का, वो ज़्यादा सेल होने से ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वो उतने ही रहेंगे, तो ये फिक्स कॉस्ट है। और मंथली सेल्स जो है वो 9,000 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओरिजिनल सेल्स 1,80,000 की है, अब सेल्स 1,80,000 की बजाय 189,000 अगर हो जाए, ठीक है। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो जब आप यूनिट से ज़्यादा बेचेंगे तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका का, चूंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं बताए, अमाउंट बताइए कि 9,000 से सेल बढ़ गई, तो 9,000 से सेल ऐसे नहीं बढ़ी होगी, या तो सेल प्राइस बढ़ाई होगी आपने या यूनिट ज़्यादा सेल हुए होंगे। तो अगर अकल इस्तेमाल करें तो आपने सेल प्राइस नहीं बढ़ाई होगी, जब एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाता है। हमें नहीं पता वो कितना बड़ा है, ताकि हम उतने नंबर ऑफ यूनिट से 63 को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन हमारे पास तरीकाकार मौजूद है। हमें बताया गया है कि सेल जो है वो 100% है और वेरिएबल एक्सपेंसेस 70% ऑफ सेल्स है और कंट्रीब्यूशन 30% ऑफ सेल्स है। हम डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल सकते हैं, यानी 189 मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो वो 56,700 बनता है। हम अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। अगर नहीं भी करें तो हम खुद भी निकाल सकते हैं, 189,000 का 70% जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप 189 से 132 माइनस भी करेंगे तो 56,700 ही आएगा, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट आपकी पहले 30,000 थी, अब 30,000 के अंदर 5,000 ऐड हो जाएगा, तो 35,000 की फिक्स कॉस्ट है। रिजल्ट निकाल लें कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट 24,000 का था, ये पहले वाली ओरिजिनल है, ये पार्ट बी का आंसर है और ये पार्ट सी ए का आंसर है 21,700। तो पहले वाली जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका प्रॉफिट 24,000 21,700 का डिफरेंस लेंगे, ये प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। यू कैन टेल दिस इन दिस वे। जी जी सरवंत, मेरे ख्याल में वो आपको समझ आ गया होगा। जी एनीवेज नूर आपको भी क्लियर है, थैंक यू। अच्छा जी फाइव, जी अतर बिलाल साहब कह रहे हैं 5-6 का बी बता दे, मैं बता देता हूँ। इसके अलावा
I will speak the figures in English. That's fine. जी ओके. अतहर बिलाल आपने 5-6 का बी कहा है, मैं ज़रा 5-6 ओपन कर लूँ. चल ये मैंने 5-6 सामने कर दिया है, अब इसको देख के फिर ब्रादर मैं इसको ऊपर ही कर दूँ. जी चले. ये क्वेश्चन है, कंपनी प्रोड्यूसेस डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल प्रोडक्ट, अ वुवन बास्केट हुज सेलिंग प्राइस इज 15 पर यूनिट एंड हुज वेरिएबल कॉस्ट इज $12 पर यूनिट. कंपनी इज मंथली फिक्स एक्सपेंसेस 4200. ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपने यूनिट्स में, और ब्रेक इवन पॉइंट यू नीड टू कैलकुलेट इन डॉलर सेल्स. तरीका कार कल आपसे शेयर हो चुका है. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. ये अब मैं मेरे ख्याल में इसको दूसरी जगह पे ले जाता हूँ. ओके तो जो जेंटलमैन ये सवाल जो आपने पूछा है ये आपके अब सामने है. ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो ये पहला वाला तरीका का यूनिट्स में निकालने का है. मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ, वरना अदरवाइज आपको फॉर्मूला देख के समझ आनी चाहिए. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड है, तो 4200 आपकी फिक्स कॉस्ट है. तो मैं चलें आपकी आसानी के लिए कहूँ, 4200 को आप डिवाइड करेंगे 4200 वैल्यू जो है, यू गोइंग टू डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट विच इज़ 15 माइनस 12, $3 है. 3 से डिवाइड कर लें जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट. अगर आप कैलकुलेट कर लें खुद से तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है. 4200 डिवाइडेड बाय 3 तो इट विल बी 1400 यूनिट्स. ठीक है जी, इट विल बी 1400 यूनिट्स, ये आपका ब्रेक इवन बनेगा. ओके और दूसरा है, यू नीड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर. तो यू नीड टू फर्स्टली कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन CM रेशो. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कहते हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब आप कैलकुलेट करें 3 बाय 15 तो ये 20% बनेगा. 20% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो है आपकी. अगर ब्रेक इवन पॉइंट डॉलर्स में कैलकुलेट करना है देन यू नीड टू डिवाइड अगेन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 20%. अब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ जाएगा. 4200 डिवाइडेड बाय 20% 21,000 बनता है. 21,000 डॉलर्स में यूनिट्स 1400 बेचें तो ब्रेक इवन होता है, और डॉलर में सेल 21,000 की. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड रिक्वायरमेंट है, कंपनी इज फिक्स ऑपरेटिंग सॉरी फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 600, व्हाट वुड बी द न्यू ब्रेक इवन. अब यही काम आप दोबारा करेंगे. यूनिट्स में भी पहले फिक्स कॉस्ट 4200, अब 600 ऐड हो जाएगा इसमें. तो ये अगेन नाउ मैं ये थोड़े से गैप के साथ लिख देता हूँ, 4800 डिवाइडेड बाय 3. कोई ना कोई आंसर आपके पास आ जाएगा. आई थिंक आप कर सकते हैं 4800 डिवाइड बाय 3. जी तो इट विल बी 1600 यूनिट्स नाउ. और अगर यही आप यहाँ पे अप्लाई करें तो फिक्स कॉस्ट इज नाउ 4800 सॉरी 4800 डिवाइडेड बाय 20%. तो अगेन कोई अमाउंट आपके पास निकल आएगी जी. जी 4800 डिवाइडेड बाय 20% इट विल बी $24,000. जी ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ.
6 बी बता दूं जेंटलमैन, 5-6 ही मेरे ख्याल में मैं बता रहा हूँ। ओके हाँ जी, आपका पहला सवाल था, डन जी, ठीक है जी। और इसके अलावा 5-10 में सी एम रेशो इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे लेंगे या टोटल प्रोडक्ट्स पर? ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वीक। ये मैंने नोट किया है, बट मैं इसको नेक्स्ट वीक में डिस्कस करूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 17 बी बताना है जी, 17 नंबर क्वेश्चन। ओके जी, ये 17 नंबर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इसका ताल्लुक टारगेट प्रॉफिट से है, तो वो टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस मैं भी डिस्कस करता हूँ अभी, फिर आपको मेरे ख्याल में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये फाइल आपके पास मौजूद थी, इसी से ऑनवर्ड मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जी। अब ये अगला जो काम है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपसे नहीं हो सके बिकॉज इसमें ये चीज़ें भी मौजूद थी, अब वो मैं करवा देता हूँ। वीकेंड है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आई होप 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ एक, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों तो हाउ वी विल गो अबाउट इन कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन एंड ऑल दैट, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। ये मैंने एक तरीका लिखा है जी, सेल्स लेवल आपने पता कर रहे हैं टू अचीव टारगेट प्रॉफिट नंबर ऑफ यूनिट्स में इन नंबर ऑफ यू नो सॉरी इन अमाउंट। तो तरीकाकार ये लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, रट्टा ही लगाएंगे। अगेन लॉजिकली चलते हैं, यहाँ से आ रहे हैं। हमने कल कहा था ये 25 यूनिट, जो मेरी मिसाल थी कि 25 यूनिट्स पे 25 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो जाता है, लेकिन हमने कल ये भी बात की कि हमारा ऑब्जेक्टिव जीरो प्रॉफिट पे खड़ा होना तो नहीं है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जीरो प्रॉफिट पे खड़ा होना नहीं है, तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव अगर हमें पता चल जाए क्या है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। मैं ये चीज़ें अरेज कर देता हूँ जी बिफोर द टाइम बीइंग। हमारी कल वाली मिसाल में 10,000 फिक्स कॉस्ट थी, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ, 1,000 सेलिंग प्राइस थी, 600 600 हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और 400 इज़ आर यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हम जीरो प्रॉफिट नहीं अर्न करना चाहते, अगर जीरो अर्न करना चाहते हैं तो वी सेट दैट कि हमारी फिक्स कॉस्ट ही हमारा रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, यानी हमारा टोटल रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मस्ट इक्वल टू आवर फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि हम कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें कितना यूनिट्स बेचने चाहिए, तो मैं लेट मी राइट इट फिजिकली कि 4,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल है, वी वांट टू अर्न 4,000 एज टारगेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर हम 4,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना अर्न करना पड़ेगा? 14,000। सो इफ वी अर्न 14,000 कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, तो उसमें से 10,000 फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा और बाकी 4,000 प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट होगा। यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मच यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न दिस 14,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो तरीकाकार ये है कि 14,000 टोटल अर्न करना है हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और एक यूनिट जो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन देता है वो 1,400 है, अगर हम डिवाइड सॉरी 400 है, अगर हम 14,000 को डिवाइड कर लें 400 से, तो हमें 35 यूनिट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर 35 यूनिट बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट 4,000 होगा। हम इसको खुद से साबित करना चाहें, खुद से भी साबित कर सकते हैं, यानी 35 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1,000 सेलिंग प्राइस है हमारी, तो 35,000, 35 यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाय हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 600 है, तो 35,000 माइनस 21,000 करेंगे तो 14,000, उसमें से 10,000 फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहनी है, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा हमारा 4,000। ये कैसे हमने किया कि हमारा जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, दिस इज इक्वल इन टू फिक्स कॉस्ट प्लस आवर टारगेट प्रॉफिट, और यही यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया गया है कि अगर आप सेल्स पता करना चाहते हैं टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट लेवल, तो तरीकाकार फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो हमारी एग्जांपल के अंदर हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 है प्लस टारगेट प्रॉफिट इज 4,000, दोनों को सम करेंगे एंड विल डिवाइड इट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो कि 400 है। आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व करेंगे ये 35 यूनिट्स बनेंगे,
यानी 35 यूनिट्स बेचें तो हमारा ये रिक्वायर्ड लेवल अचीव हो जाएगा प्रॉफिट। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम 4 की बजाय 6,000 करना चाहेंगे तो इसका मतलब हम फर्ज कर लें अगर 6,000 अर्न करना चाहते हैं तो 6,000 के लिए जो हमारा तरीका कार होगा, अगेन 10,000 फिक्स कॉस्ट है प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय अगेन हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 400 है, तो 16,000 को अगर आप 400 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी 40 यूनिट्स अगर आप बना के बेचें तो आप 6,000 प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। प्रूव करना चाहें तो यहाँ पे बना के प्रूव कर लेते हैं, लाइक 40 यूनिट्स, चले मैं यहाँ पे पहले चेंज कर दूँ 40 यूनिट्स। हम इसको शॉर्टकट में भी दे सकते हैं बिकॉज हमें MCQs में भी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बट चलें 40 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस 1000 है और 40 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 40 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो थी वो सॉरी 600 जी 24,000 24,000, सो अगर आप माइनस करेंगे तो ये 16,000 होगा, 40 40 में से 24,000 निकालेंगे, 10,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो इट विल बी 6,000 प्रॉफिट, हम प्रूव कर सकते हैं, फाइन। तो इसी तरीके से अगर हम मैं अगेन अरेज करता हूँ और यहाँ से अगर हम अमाउंट में निकालना चाहें तो अमाउंट में निकालने के लिए तरीकाकार के जो डिजायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है जो कि 16,000 है, दिस इज इक्वल इन टू 40%, हम इस 40% से 100% वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेल्स लेवल टू अचीव टारगेट प्रॉफिट उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सी एम रेशो। सो जो मैंने बाद वाली मिसाल की है 10,000 प्लस 6,000 हमारा टारगेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन हमारी मिसाल में 40% है, आप सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं 16,000 डिवाइडेड बाय 40% करेंगे तो वो $40,000 या अमाउंट रुपीस जो भी है वो बनेगा, तो $40,000 पे आपका ब्रेक होंगे। डायरेक्ट यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और अमाउंट में भी निकाल सकते हैं, ये दोनों असल में यही जो फॉर्मूले थे पहले वाले उन्हीं की एक्सटेंशन है। यहाँ पे भी हम टेक्निकली समझें तो टारगेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर रहे हैं लेकिन वो टारगेट प्रॉफिट है कितना, जीरो, बिकॉज ब्रेक इवन लेवल पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो हम इसलिए यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट लिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पे जो कि हम कोई अचीव करना चाहते हैं यानी कि हमारी सेल टीम जो होती है वी वॉन्ट टू सेट अ टारगेट फॉर देम, अगर वो ये अचीव करेंगे तो हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव। सो देर इज अनदर थिंग जो आपको नजर आएगी क्वेश्चन के अंदर, इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो जितना आप ब्रेक इवन से आगे निकलते जाएंगे यू विल बी सेफ फ्रॉम लॉसेज, वो ग्राफ जो भी आपके सामने शो किया था जितना आप ब्रेक इवन पॉइंट से जहाँ पे दोनों इंटरेक्ट कर रहा था रेवेन्यू कॉस्ट उससे आगे निकल जाएंगे तो यू विल बी सेफ फ्रॉम लॉसेज। जैसे हमारी ये मिसाल है 25 यूनिट पे हमें ब्रेक इवन होता है, 25 यूनिट यानी 25,000 25,000 रुपीज़ या डॉलर की सेल हो तो हमारा ब्रेक इवन होगा, जितना हम इससे आगे निकल जाएंगे उतना हम सेफ होते जाएंगे, तो उसे हम सेफ्टी का मार्जिन कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वट एवर वी आर एक्चुअली सेलिंग, जैसे अभी हमने फर्स्ट कर लें $40,000 की सेल की है तो माइनस $25,000 पे हमारा ब्रेक इवन होता है, दोनों को डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वी आर सेफ, हमारा सेल्स लेवल $15,000 अहेड है। अगर हमारी सेल डिक्रीज करे किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से तो वो अगर $15,000 से डिक्रीज होगी तो हम थ्रेट जोन में जाएंगे कि लॉस फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर सेफ फ्रॉम लॉसेस। इसे हम रेशो की फॉर्मेट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना आप सेफ हैं पहले वही एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स यानी 40,000 माइनस 25,000 दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल सेल्स 40,000 है मल्टीप्लाई बाय 100% में कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 डिफरेंस है, उसको डिवाइड करें 40,000 से और जो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर है दैट इज 37.5%, मीन यू आर अहेड ऑफ योर लॉसेज
योर सेल्स इज अहेड ऑफ लॉस रीजन बाय 37.5%। सो अगर आपकी सेल्स किसी वजह से 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20% भी डिक्रीज हो जाती है, तो यू विल नॉट बी इन थ्रेट जोन, यू विल बी सेफ फ्रॉम लॉसेस। इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो के नाम से याद करते हैं। देर आर सर्टन प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन रेफर टू दिस बुक, जिसमें आपको ये टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए सेल्स यूनिट्स में और अमाउंट में कैलकुलेट करनी है, और कुछ क्वेश्चंस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को भी कैलकुलेट करना है। आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप टू हैंडआउट्स जो कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ऑन ब्रेक इवन एनालिसिस। आपका जो कि वीकेंड है, अगर आपने इस चैप्टर से मेजॉरिटी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यू नीड टू नाउ गो थ्रू अगेन टू द एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर आप टारगेट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और सेकेंडली, जो ग्रुप के अंदर दो हैंडआउट शेयर किए गए हैं सीवीपी प्रैक्टिस के नाम से, और उनको आप वहाँ से देखेंगे और उनको भी आप सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके सवाल जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसको देख लूँ, और देन वी आर गोइंग टू वाइंड इट अप। ओके जी, जी राइट, जो जवाब दिए गए हैं मैं बल उनको अभी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुतबा, आई एम टेलिंग दैट हाउ मच यू आर सेफ फ्रॉम लॉसेस। जितना आप लॉस से आगे निकल गए हैं, लॉस रीजन से, तो वो ब्रेक इवन सेल से अगर 1 रुपया भी आपकी सेल कम होगी, तो यू विल बी इन थ्रेट जोन लॉस रीजन में। ब्रेक इवन सेल से आप अगर 1 रुपया भी आगे चले गए हैं, यू विल बी इन प्रॉफिट रीजन। तो इसका मतलब अगर आप प्रॉफिट रीजन में हैं और जितना सेल्स आपका ब्रेक इवन लेवल से आगे निकल गया, यू आर सेफ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना सेफ है आप फ्रॉम लॉसेस, एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन सेल से माइनस किया गया है जी। और अगर रेशो में कैलकुलेट करना है रहा, वो मैंने बताया कि आप वही जो सेफ्टी मार्जिन है, जैसे 15,000 से आपका सेल्स लेवल जो है वो ज़्यादा है, 15,000, 40 माइनस 25, 40,000 -25,000, इसको अगर परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करें, जैसे आप अपने ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो सेफ्टी एंड अमाउंट उसको एक्चुअल सेवल से डिवाइड किया गया है और फिर परसेंटेज में रिफ्लेक्ट किया गया है। सो जैसे आप ऑब्टेंड मार्क्स की परसेंटेज बताते हैं, दैट यू गेंड दिस मच परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो ये उसी तरीके से है जी। जी व्हाट्सएप ग्रुप पूछा जा रहा है, अली खान मौजूद हैं? अली खान आप ग्रुप में मैसेज कर दें, या इन जेंटलमैन को अगर आप मैसेज कर सकते हैं, चैट में अपना नंबर लिख दें, तो ये आपसे कांटेक्ट कर लें, आप इनको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। अली खान इज अपॉइंटेड एज सीईआर ऑफ द क्लास। जी आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। हाउ टू यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जेंटलमैन, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करने का मकसद ये है कि हम पता कर सकें कि अपनी सेल टीम को मोटिवेट करने का, तो हम टारगेट डिटरमिन करते हैं, बट ऑन द मैनेजमेंट साइड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ कि हम कितने परसेंट सेफ हैं फ्रॉम आवर लॉस रीजन। अगर हमें, जैसे अभी कोविड है, कोविड के दिनों में लोगों की सेल गिरी है, तो अगर कंपनीज को पता होगा कि कितनी सेल कम हो रही है परसेंटेज में, तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि हम ब्रेक इवन से कितना आगे खड़े थे। वो आगे जो खड़े थे उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कहेंगे। और अगर सेल 1, 2, 10, 20% भी कम होगी और हमारा सेफ्टी मार्जिन 37% था, तो वी विल बी सेफ फ्रॉम लॉसेस, हमें कम से कम लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग पर्पजेज के लिए इसकी सपोर्ट होती है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो क्वेश्चन शेयर किए हैं उनको भी, और इस चैप्टर किताब से भी आपको यू नीड टू यू नो सॉल्व द क्वेश्चंस, और अगली क्लास के अंदर जो आपका प्रॉब्लम्स होगा, जो भी इश्यूज होंगे, उनको इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा और फिर फर्दर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। जी एक और सवाल जेंटलमैन पूछ रहे हैं, पहले करवा दें फलां टॉपिक, जेंटलमैन सिलेबस मैंने कंप्लीट करना है, आपने नहीं, आपको अगर ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा, तो यू मे लीव। आप जब ये टॉपिक होगा आप किसी क्लासमेट से पूछ लीजिएगा, तब क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। ओके दैट्स ऑल फॉर द डे।
अल्लाह हाफिज़।